हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे जो कि है मूंग की दाल का हलवा। इसके लिए हमने मूंग की दाल, चीनी, इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, केसर वाला दूध थोड़ा सा और ये देसी घी। आज हम आपको बहुत आसान तरीके से मूंग दाल का हलवा बनाना बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मूंग दाल का हलवा बहुत टाइम लेता है बनने में, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड भी करते हैं इसे बनाने में। तो आज चले हम आप बनाते हैं अपना मूंग दाल का हलवा। पहले हम अपनी दाल को भून लेंगे। आपको पता है वैसे तो ये हम लोग इसकी दाल की पिट्ठी बनवाते हैं, तो हम ये पिट्ठी नहीं बनवाई हमने, ये सीधी हम दाल भून रहे हैं इसमें। और ये आसान तरीके से बनता है, नहीं तो आपको पता है पहले वो दाल भी भूननी पड़ती है, उसके बाद हमें वो पीसनी होती है, बहुत टाइम लगता है उसमें। जब तक कि हमारी दाल भुन रही है तो हम इसी अपनी चीनी का सिरप भी रेडी कर लें जो हमने इसमें डालना है। हमारे पास गर्म पानी है और ये हमारी चीनी। आपको पता है कि पानी ज़्यादा ही लगता है इसमें, तो इसके अगर हमारी ये चीनी घुल जाएगी तो हमारी दाल भी, ये देखें थोड़ी थोड़ी गोल्डन होनी शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं दाने बीच में। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इधर हमारा जो शुगर सिरप है वो भी रेडी हो चुका है। अब आपको दाल को थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपको करके दिखाएंगे इसे ग्राइंड। अब आप देख सकते हैं जो हमारी दाल है वो ठंडी हो चुकी है, अब ये जाएगी जार में ग्राइंड होने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो ग्राइंड हो चुकी है पूरी तरह। इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। आप देसी घी यूज करना चाहें या रिफाइंड डालडा, जो भी आपने यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। हमने देसी घी लिया यहाँ पे। और ये जो हमारी दाल है आप देख सकते हैं कि हमारी दाल भुनी कितनी अच्छी हुई है, तो उसका कलर इतना अच्छा आया हुआ है। इसे आप अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लें। इसमें आप इलायची पाउडर और जो हमारा केसर वाला दूध है वो आप धीरे धीरे इसमें डाल दें। और ये जल्दी बनने वाला है, इजी, आप जब मर्जी आपका दिल करे आप बना सकते हैं इसको घर में। हमें अब वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई त्यौहार आएगा या कोई फंक्शन हो तभी हम ये बनाएं। अब हम इस पर धीरे धीरे पानी डालेंगे जो हमने चीनी वाला तैयार किया हुआ था अपना। एकदम सारा मत डालना, इसमें फिर लम्स भी डाल सकती हैं आप, एकदम सारा पानी डालेंगे तो इसमें। और आप इसे अच्छी तरह से घुमाते रहें जो उसमें कोई लम्स ना आए। हमने पानी अभी वो सारा ही डाल दें, ये हम इसलिए कि वो थोड़ा मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ऑलमोस्ट हमारा अभी हलवा भी रेडी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बस ये शुगर सिरप के बाद थोड़ा ही काम होता रहता है इसमें। देख सकते हैं कि हमारा हलवा हो गया रेडी, बस इसमें हम जाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। और ये अब आपने भी देखा है कितनी जल्दी बनता है ये वाला हलवा, आप ज़रूर अपने घर में बनाएं और हमें भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको ये हलवा कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।